इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। नमस्कार, किस्से कहानियां में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय चव्हाण। पानीपत का तीसरा युद्ध, जो मराठों और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली की फौजों के बीच लड़ा गया था, भारत के सबसे ऐतिहासिक लड़ाइयों में से एक है। 18वीं शताब्दी में जब मराठा साम्राज्य तमिलनाडु से पंजाब तक फैल रहा था, पानीपत के तीसरे युद्ध ने मराठा शक्ति को एक भारी झटका दिया, एक ऐसे समय पर जब अंग्रेज देश में अपनी जड़ें जमा रहे थे। आज हम आपको दिखाएंगे पानीपत के तीसरे युद्ध की वास्तविकता। आइए देखें। पानीपत का तीसरा युद्ध, जो सन 1761 में मराठों और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली की फौजों के बीच लड़ा गया था, आज भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में काफी चर्चा का विषय बन गया है। इसका कारण है इस युद्ध और उसके पात्रों पर बनी एक बॉलीवुड फिल्म और उसमें दिखाए जाने वाले तथ्य। पानीपत की यह लड़ाई भारत के सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक है। ये वो काल था जब अंग्रेज भारत में अपनी सत्ता जमा रहे थे। यह लड़ाई हुई प्लासी की लड़ाई से 4 साल बाद और बक्सर की लड़ाई से 3 साल पहले, जिनमें अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत में अपनी ताकत बढ़ाई। पानीपत की लड़ाई में मराठों की जीत देश के इतिहास को क्या मोड़ देती, ये एक चर्चा का विषय है। वाद और प्रतिवाद के बीच ऐसा लगता है कि ऐतिहासिक तथ्य कहीं खो गए हैं। क्या है पानीपत के तीसरे युद्ध की हकीकत, ये जानने के लिए हमने बात की इतिहासकार और लेखक उदय एस कुलकर्णी से। अगर आप पूरे इतिहास में देखोगे तो 18वीं सदी में दुनिया में कहीं भी 24 घंटे के एक दिन के अंदर इतने बड़े तादाद में लोग मारे नहीं गए एक किसी भी एक लड़ाई में। तो 1 लाख से ज़्यादा लोग इस लड़ाई में अपनी जान को गंवा बैठे। और ये लड़ाई क्यों हुई, ये इसकी वजह से ये लड़ाई ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। जैसे अगर आप सोचोगे कि लड़ाई कोई अपने लिए लड़ता है, अब यहाँ पे मराठों का पंजाब से कोई लेना देना था नहीं, वो तो यहाँ दक्षिण में उनका राज था। और शुरू में जो राज उनके ख़िलाफ़ था वो था मुग़लों का। अब मुग़लों का वीकनेस इतना बढ़ गया कि धीरे धीरे उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ने लगी, और वो प्रोटेक्शन उनको ऑफ़र किया मराठों ने। यह हुआ 1752 के आसपास, जब मराठों ने पहले प्रोटेक्शन। और जब अहमद शाह अब्दाली की 1747, 1748, 1752, 1757 चार बार ऑलरेडी यहाँ अटैक हो चुका था। 1757 में तो पूरी दिल्ली उन्होंने लूट ली। तब उसके बाद बहुत ज़रूरी था कि मराठों को जाके वहाँ पर एक स्टैंड लेना चाहिए था कि नॉर्थ वेस्ट से जो इन्विजन्स हो रही हैं उन नॉर्थ वेस्ट के इन्विजन्स को रोकना बहुत ज़रूरी था। और उसके लिए 1758 में पहले बार राघोबा दादा और मल्हारराव होलकर नॉर्थ में गए। उन्होंने पंजाब पूरी जीत ली, लाहौर, मुल्तान, अटक, पेशावर, ये सारे जगहों पर मराठों ने मुग़लों और सिखों के साथ अपना राज वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया। शाह ऑफ ईरान से उनको धीरे धीरे एक खत आया था कि आप वहाँ से अटैक करो कीजिए, हम यहाँ से अटैक करेंगे, बीच में जो अहमद शाह अब्दाली का राज है अफ़गानिस्तान उसको हम लोग बीच में दबा देंगे और आधा आप ले लो, आप काबुल ले लो, हम कंधार लेंगे। तो उसके बाद रघुनाथ राव ने एक चिट्ठी लिखी थी पेशवा साहब को, नाना साहब को, कि देखिए ये तो मांग रहे हैं, हमको ऑफ़र तो कर रहे हैं और बोल रहे कंधार हमें दे दीजिए। अब मैंने सोचा कि कंधार मुझे देने की क्या ज़रूरत है, जबकि कंधार आलमगीर के वक्त तक हमारे राज में था। दरअसल वो शाहजहाँ के राज तक था, आलमगीर की नहीं। मगर उनके खत में ऐसे लिखा है कि आलमगीर तक जब कंधार हिंदुस्तान का हिस्सा था, वो हमें क्यों देना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक नेशन स्टेट जिसे कहा सकता है, उसकी एक इनन्सिएशन पहले बार नज़र आती है कि ये कोई 500 स्टेट्स वाला कोई एक रीजन नहीं है, ये एक भारतवर्ष है जिसके प्रोटेक्शन के लिए, जिसकी भूमि के प्रोटेक्शन के लिए हमें जाना है, चाहे हमारा राज पूना में हो,
चाहे हमारे सारे सरदार चंबल के दक्षिण में हो, मगर उसके ऊपर जाके हमें जो आक्रमण हो रहे हैं वो आक्रमण रोकने की ज़रूरत है। और उसके लिए ये एक स्टेटमेंट है, वही स्टेटमेंट बाद में पानीपत के पहले सदाशिव राव भाऊ जब गए थे उन्होंने जो चिट्ठियाँ लिखी नॉर्थ इंडिया के जो वहाँ के ज़मींदार थे, जो राजे थे, उन्होंने यहाँ कहा कि हमारा काम क्या है कि चगताई जो है, चगताई जो मतलब मुगल जो है, उनको प्रोटेक्ट करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने निज़ाम को भी बुलाया था कि आप आ जाइए हमारे साथ, हम पहले जो बाहर से आया हुआ दुश्मन है उसको हटा लेते हैं और आपस की बातें हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे, ये उन्होंने उनसे कहा था। तो ये एक दूसरा मकसद था ये लड़ाई होने का, और इसीलिए इस लड़ाई की ज़्यादा इम्पोर्टेंस आज हमको नज़र आती है कि एक लड़ाई ना ही सिर्फ किसी ज़मीन के लिए थी पर वो एक सीमा तय करने के लिए थी। और अब्दाली का कहना था कि आपकी जो सीमा है ये आप चंबल के दक्षिण में हट जाइए, मराठों को कहते थे, और सदाशिवराव भाऊ कहते थे हम लोग अटक मतलब सिंधु नदी तक हमारा प्रदेश है, उसके बियॉन्ड आप चले जाके अपना राज कीजिए। तो यहाँ पे बात जो चल रही थी वो कभी एग्रीमेंट हो नहीं पाई। बहुत कम लोग जानते हैं कि अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ईरान के शासक नादिर शाह के कमांडर हुआ करते थे और पहली बार दिल्ली आए थे सन 1739 में नादिर शाह की फौज के साथ। सन 1747 में नादिर शाह की हत्या के बाद उन्होंने अफगानिस्तान में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। जब दिल्ली में आए नादिर शाह 1739 में, तब उनके साथ साथ अहमद खान पहली बार दिल्ली में आए और उन्होंने पहली बार दिल्ली को देखा, उसके पूरे उसका स्प्लेंडर जिसे वैभव जिसे कहते हैं वो उन्होंने देखा। उस वक्त नादिर शाह ने तो बहुत सारी जो चीज़ें थी वो तो लूट के वापस ले लिए। और 1747 में जब नादिर शाह का खून हुआ और अहमद शाह अब्दाली उनके सारी जो टोली थी उनके साथ उनको लेके जब उनके कैंप में पहुंची नादिर शाह की, तब ऑलरेडी उनका खून हो चुका था और वहाँ पे जो कोहिनूर हीरा था और कुछ चीज़ें थी वो लेके अब वहाँ से निकल पड़े। और उन्होंने एक स्वतंत्र अफगानिस्तान की एक उन्होंने जो रचना की, मतलब आज भी आप देखोगे तो अहमद शाह अब्दाली को फादर ऑफ अफगानिस्तान मानते हैं, मगर अफगानिस्तान एक नया राज तो था मगर उसमें उसके पास पैसे नहीं थे, कोई ट्रेजर नहीं था। और पहला सोर्स उनके लिए ट्रेजर को जो उन्होंने दिखाई दिया वो था हिंदुस्तान में पूरब की तरफ, और इसीलिए उनकी आँखें पंजाब की तरफ मुड़ी क्योंकि पंजाब एक बहुत समृद्ध प्रोविंस था। बल्कि अफगानिस्तान को अगर सर्वाइव होना था तो उसको पंजाब से पैसे आने बहुत ज़रूरी थे, इसलिए वो पंजाब अहमद शाह के अब्दाली की इंटरेस्ट पूरी पंजाब में थी, उनकी इंटरेस्ट उसके आगे हिंदुस्तान में उनको आने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। और मराठों ने जब पंजाब में अपना पैर रखा तब उनकी कॉन्फ्लिक्ट अहमद शाह अब्दाली से डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पर हो गया। 18वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब के निधन के बाद भारत में मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। इस दौर में पेशवा बाजीराव प्रथम ने मराठों का झंडा दिल्ली तक फहराया। उनके पुत्र और उत्तराधिकारी पेशवा नाना साहब के दौर में पेशवा बाजीराव के दूसरे पुत्र रघुनाथ राव मराठों की फौज अटक के किले तक ले गए, जो आज अफगानिस्तान की सीमा के काफी करीब है। यही से शुरू हुआ मराठों और अफगानों में एक सत्ता का शतरंज। 1747 में पहली बार मोहम्मद शाह बादशाह ने नाना साहब पेशवा को मदद मांगी थी। नाना साहब पेशवा जब तक वहाँ पहुँचे लड़ाई ख़त्म हो चुकी थी और अब्दाली वापस चला गया था। 1748 में लाहौर तक वो आए, लाहौर में वो जो सूबेदार थे उनसे उन्होंने बहुत सारे पैसे ले लिए और वहाँ से वापस किया, हर साल मुझे इतने पैसे भेजते रहिए। 1752 में फिर से आ गए और वो दिल्ली की तरफ सरहिंद तक आए, पंजाब पूरा लिया, सिखों से उनकी लड़ाई उस वक्त हुई और फिर वापस चले गए बहुत सारे लूट लेकर। उसके बाद 1753 से 1755 तक दिल्ली पे मराठों ने अपना पूरा राज जमा दिया और मराठों की ताकत दिल्ली में बहुत बढ़ गई। इसको देखते हुए वहाँ के जो बाकी जो सरदार जो मुग़ल सरदार थे उन्हें लगा कि हमारी ताकत कम हो गई है और हमें अगर किसी की मदद चाहिए तो बाहर से बुलवाना ज़रूरी है, और वो अहमद शाह अब्दाली को न्योता दिया उन्होंने कि आप आके हमें मदद कीजिए, मराठों के दक्षिण में धकेल दीजिए। नजीबुद्दौला एक फर्स्ट जनरेशन अफगान इमिग्रेंट थे, जो नजीबाबाद जो आप आज शहर जानते हैं वो उन्होंने स्थापन किया है, और उनकी लॉयल्टी ऑब्वियसली अफगानिस्तान की तरफ थी और साथ चिट्ठियाँ भेजी कि अहमद शाह अब्दाली यहाँ पर आ जाए। माधो सिंह जो थे जयपुर के, जो राजा तो बने और राजा बने मराठों के सपोर्ट से,
उन्होंने भी चिट्ठियाँ लिखी अब्दाली को कि यहाँ पे आ जाओ, हर साल मराठे आके जो मैंने प्रॉमिस किया है हर साल मैं उनको इतने रैनसम या उतना जो भी पैसे दूंगा, ट्रिब्यूट दूंगा, वो जब मांगने आते हैं मेरे पास देने के लिए नहीं है तो इनको हमेशा के लिए यहाँ से हटा दो। तो ये दोनों के जो चिट्ठियाँ अब्दाली को पहुँची तो अब्दाली फिर बड़े 60,000 सैनिकों को लेकर खैबर और बोलन पास में से इधर आ गए और ये चारों ठाणे जो तो 3,000-5,000 लोग रखे थे इनको हटा के वो सीधा हिंदुस्तान की तरफ आए। पूरी मराठा फौज भरतपुर में सूरजमल के इलाके में जाके रुक गई और उन्होंने दक्षिण में चिट्ठी लिखी कि एक बड़ी फौज हमको अब्दाली को फेस करने के लिए चाहिए, तो आप दक्षिण से उसे बड़े फौज को यहाँ पे भेज दो। तब इस आक्रमण का मुकाबला करने के लिए पेशवा नाना साहब ने अपने चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ की अगवानी में एक बड़ी फौज उत्तर भारत भेजी। तो मार्च में निकले, उस वक्त मानसून उस साल बहुत जल्दी आ गया, नदियां पूरी फ्लडेड हो गई और अब्दाली जहां पे बैठे थे अनूप शहर में, वहां पे जो सब नॉर्थ इंडियन उनके एलाइज थे, मतलब रोहिलाज बरेली के, नजीब खान जो नजीबाबाद में थे और बंगश जो फरुखाबाद में थे, ये तीन एलाइज उनकी टेरिटरी जो वहाँ पर थी वहाँ से सप्लाईज की उनकी कोई कमी नहीं थी, वो पूरा इलाका उनका था। पर सदाशिवराव भाऊ जब जा रहे थे वो तकरीबन एक एनिमी टेरिटरी में जा रहे थे जहाँ उनको कोई मदद करने वाला नहीं था। दिल्ली भी अब्दाली के हाथ में थी उस वक्त। 2 अगस्त 1760 को सदाशिवराव भाऊ ने बड़ी फौज के साथ दिल्ली काबिज कर ली। तो दिल्ली कैप्चर कर लिया। अब दिल्ली वॉज अ बैरन सिटी जैसे कहते हैं, उसमें कोई पैसे नहीं थे, कोई साहूकार पैसे देने को तैयार नहीं थे। ऐसे स्थिति में उन्होंने दिल्ली में उसके ऊपर जो फौज का खर्चा था, खाना दाना पानी का प्रॉब्लम था, तो वो सोचने लगे पैसे और खाना दाना पीना कहाँ मिलेगा। तो दिल्ली के नॉर्थ में करनाल के पास जो कुंजपुरा जगह थी वहाँ पर 6,000 अफगान आके रुके हुए थे कि जमुना का पानी उतर जाए, हम लोग क्रॉस करके अब्दाली को ज्वाइन कर लें। बहुत सारा उसके पैसा था, लॉट ऑफ ग्रेन्स, चावल राइस वगैरह वहाँ पे जमाया हुआ था, स्टेजिंग पोस्ट थी एक तरीके से। तो सदाशिवराव भाऊ ने कहा पानी उतरने को अभी थोड़ा टाइम है, हम लोग कुंजपुरा जाएंगे, उसको पूरी तरह से जीत लेंगे, उसका वहाँ से पैसे मिलेंगे और वापस दिल्ली आ जाएंगे। जब तक पानी नहीं उतरता अब्दाली इस तरफ आ नहीं सकता। तो इसीलिए वो नॉर्थ को गए। 3 दिनों में अगेन इब्राहिम खान गार्दी के बंदूकों की वजह पूरे किले को तोड़ दिया। दत्ताजी शिंदे का जो जिसने मारा था उसको कुतुब शाह ने उसको पकड़ के उसका शिरच्छेद कर दिया। और कुंजपुरा में दशहरा का जो दिन था 1760 का 19 अक्टूबर, वो बड़े जल्लोश के साथ उन्होंने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया। जब कुंजपुरा जीता अब्दाली को पता चला ये हो गया, उन्होंने कहा कि अब मुझे किसी तरह से नदी क्रॉस करके उस तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे देश के लोग यहाँ मारे जा रहे हैं। तो वो बागपत की तरफ गए दिल्ली से, विच इज़ ऑन द पूरब की तरफ है जमुना के, और बागपत गए। बागपत के आगे एक गौरीपुर करके छोटा सा देहात है, वहाँ पे अभी पुल बना हुआ है, वहाँ पे उनको किसी लोग गुज्जर लोग थे, उन्होंने कहा कि यहाँ से आप नदी क्रॉस कर सकते हैं, पानी है मगर वहाँ पे ज़्यादा गहराई नहीं है पानी को। तो किसी तरह से 25, 26, 27 अक्टूबर 1760 ये 3 दिनों में अब्दाली ने पूरी अपनी फौज जमुना के पूरब से पश्चिम को लाई सोनपत के पास। और भाऊ ने जहाँ जहाँ नदी क्रॉस करने की जगह थी वहाँ पे 1,000-2,000 छोटी टोलियाँ छोड़ी हुई थी। तो सोनपत में जो 1,000 लोगों की टोली थी उनको पूरे इतने बड़े फौज ने काट के मार दिया और वो बहुत तेज़ी से नॉर्थ की तरफ आने लग गए कि अभी उनको मराठों के साथ लड़ाई करनी थी। जब मराठों के को पता चला कि उन्होंने नदी क्रॉस कर लिए तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात हुई, हमको भी क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं, हम वापस जाते हैं लड़ाई करते हैं। तो वो वहाँ से घूम गए और वापस पानीपत आ गए और पानीपत शहर को अपने पिछाड़ी में छोड़ के आगे पूरे तोफ लगा दिए, एक डिच या खंदक बना दिया उसके ऊपर पूरे तोफ लगा दिए। और अभी अब्दाली अटैक करने के मोड में था कि अभी जोर से आके अटैक करेगा तो हमारे तोफ उनकी धज्जियाँ उड़ा देंगे, ये प्लान था। और ये इब्राहिम खान गार्दी ने प्लान बना के उनको दिया था और उसके मुताबिक वो वहाँ पर बैठ गए। और अब्दाली जब नज़दीक आया उन्होंने देखा ये अरे है, ये जो इस तरीके से फौज लगाई हुई है, तो वो वहीं पर रुक गए क्योंकि वो भी जानते थे कि इनके साथ हम मुकाबला भी नहीं कर सकते हैं। दैट वॉज द एंड बिगिनिंग ऑफ नवंबर 1760। अगले 2 महीने तक दोनों फौज आमने सामने रही पर कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई। धीरे धीरे रसद के अभाव के कारण मराठा कैंप में परिस्थिति बिगड़ने लगी।
दो ढाई लाख लोगों को खाना पीना रोज देना, मतलब सप्लाईज तो आते रहने चाहिए, पैसे खत्म होने लगे। उनके पास जो भी सोने चांदी के गहने थे, कोई भी बर्तन थे, उनको उन्होंने मेल्ट करके पैसे बनाए, कुछ नए सिक्के करे, बहुशाही, जनकोशाही, शिंदेशाही, ऐसे कॉइन्स बना दिए। उस कॉइन से कुछ दिन सिक्कों से खरीदते थे, वो कैश देके खरीदा करते थे, तो वो कुछ दिन और गाड़ी चली। 30 दिसंबर को अब्दाली ने जमुना छोड़ के फिर पानीपत और दिल्ली के रास्ते पर अपना कैंप शिफ्ट कर लिया और दिल्ली से कम्युनिकेशन बंद हो गया। वैसे दोनों फौज अपने घर जाने को, अगर उनको जाना था तो दोनों का रास्ता, दोनों फौज एक दूसरे को ब्लॉक करके बैठी थी। तो 2 महीने हो गए दोनों एक दूसरे से कुछ कोस की दूरी पर थे, मगर कोई भी डायरेक्टली एक दूसरे को हमला कर नहीं सकता था, क्योंकि दोनों की पावर बहुत ज़्यादा थी। और लोग वकील आते जाते रहते थे कि कुछ ना कुछ इसमें से, मगर ये सॉल्यूशन या कोई एग्रीमेंट निकालने के खिलाफ जो लोग थे, उनमें से नजीबुद्दौला सबसे मुख्य उनमें से था, और एक काजी था वहाँ पे इद्रिस। इन्होंने कहा किसी भी तरीके से इनसे एग्रीमेंट नहीं करनी है, अभी ये लोग हम यहाँ खत्म ही करके जाएंगे इनको। आखिर 14 जनवरी 1761 को मकर संक्रांत के दिन मराठों ने अब्दाली की फौज के साथ युद्ध करने का निर्णय लिया और शुरू हुई पानीपत की आखिरी जंग। जीत किसकी होगी ये कोई नहीं जानता था। 13 जनवरी आई तो शाम को सब लोगों ने सोचा कि अभी हम लोग यहाँ पे आदर भूखे मरेंगे, तो उससे अच्छा है तो भूखे मरने से तो लड़के मरें। तो ऐसी प्लान हुई कि हम लोग धीरे धीरे यहाँ से कैंप छोड़ के निकल पड़ेंगे, जमुना की तरफ जाएंगे और जमुना से के अलोंग द बैंक्स दिल्ली की तरफ जाना शुरू करेंगे। अगर अफगानों ने हमसे मुकाबला किया तो मुकाबला करेंगे, काटते काटते उनके थ्रू निकल जाएंगे, और अगर मुकाबला नहीं किया, हम जा सके, तो हम सीधा दिल्ली की तरफ निकल जाएंगे। तो ये प्लान था। जब वो पूरी कैंप छोड़ के 14 जनवरी सुबह 4 बजे सारे मराठों ने अपना आखिर खाना जो था, जितना बचा हुआ फूड था, सब ख़त्म कर दिया, सारा अपना सामान लेके एक फॉर्मेशन में निकल पड़े, एक स्क्वेयर फॉर्मेशन जिसे कहते हैं, कि चारों तरफ फौज है और बीच में जो नॉन कॉम्बैटेंट्स है। अब नॉन कॉम्बैटेंट्स का क्या मतलब होता है? आज भी अब इंडियन आर्मी को अगर आप देखो तो उसमें देर आर फाइटिंग आर्म्स एंड देर आर सर्विसेज, है ना। तो फाइटिंग आर्म्स को सपोर्ट करने के लिए सारी सर्विसेज जरूरी है, जैसे मेडिकल ब्रांच है फॉर एग्जांपल, सर्विसेज है, ऑर्डनेंस है, इंजीनियर्स है, ये सारे सपोर्टिंग सिस्टम्स है फॉर द फाइटिंग आर्म्स, फॉर द इन्फेंट्री या आर्मर्ड कोर या आर्टिलरी के लिए। तो उसी तरह ये जो नॉन कॉम्बैटेंट्स, जो नहीं बगैर लड़ने वाले लोग थे, उनको बीच में रखा गया और चारों तरफ से फौज करके वो पूरी स्क्वायर एक फॉर्मेशन में जा रहे थे। तो उनकी राइट जो बाजू थी, दाहिने बाजू से अफगानों ने हमला करना शुरू किया, तो नेचुरली ये स्क्वायर पूरी दाहिने तरफ मुड़ गई, और जो आगे थे इब्राहिम खान गार्दी और उसके 9000 सैनिक थे, उन्होंने बरखुरदार खान और रोहिले जो थे उनसे पहले उनकी मुलाकात हो गई, लड़ाई उनकी शुरू हुई। उसके बाद जो सेंटर था, शाहवली खान जो अब्दाली का वजीर था, और भाऊ साहेब और विश्वास राव जो यहाँ पे सेंटर पे थे, उनकी आपस में भिड़ी। मगर जो तीसरा डिस्टेंस था वो दोनों में 6 कोस का अंतर था, मतलब इस तरफ शिंदे और होलकर और उस तरफ नजीबुद्दौला, ये उनमें अंतर बहुत ज़्यादा था। तो उनकी मुलाकात हुई नहीं, आखिर दोनों लड़ाई हुई नहीं उनकी। तो मेन लड़ाई जो इब्राहिम खान गार्दी की हुई 9000 सैनिकों के साथ, बरखुरदान खान और हफीज़ रहमत खान इनकी फ़ौज को उन्होंने पूरी तरह से परास्त कर दिया। जो सेंटर था भाऊ साहब और विश्वास राव का, सवेरे 9 बजे फौज लड़ाई शुरू हुई, 1 बजे तक मराठों ने बिल्कुल अफगान सेंटर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। मतलब कुछ हिस्टोरियंस ने लिखा है जैसे नाइफ कट्स थ्रू बटर, उस तरह मक्खन में जैसे छुरी चलती है, उस तरह से मराठा फौजों ने अफगान सेंटर में घुस गए थे, और इस बुरी तरह से घुस गए थे कि उनका वजीर जो था शाह वली खान, वो ज़मीन पर बैठा था और अपने लोगों को बोल रहा था आप भाग के कहाँ जाओगे, काबुल तो बहुत दूर है। और इस हालत में उसको काशीराज जो शुजाउद्दौला का था, उसने उसको ऐसे हालत में पाया था, उसने लिख के रखा है। तो ये लोग सब भाग गए, और अब्दाली को भी डर लगा कि अब्दाली ने हमेशा सेना के पीछे खड़ा रहता था, जैसे सदाशिवराव आगे थे, ये कभी आगे नहीं पीछे रहता था। और उसने अपने जो हारम थे, जो बेगम थे और जो कबीला था, उसको उसने ऊँटों पे चढ़ा दिया, हाथियों पे चढ़ा दिया कि जल्दी से इस तरह यहाँ से वो निकल पड़े अगर मराठे मेरे कैंप तक पहुँचे तो। तो जब मराठे इतने नज़दीक आ गए, उन्होंने देखा, तो जो लोग भाग के आ गए थे वापस और अपने टेंट में बैठे हुए थे,
तो उसकी जो मिलिट्री पुलिस बोलते हैं नसाक्ची, नसाक्ची को उन्होंने कहा कि आप जाके वो 10,000 लोगों को लड़ने के लिए भेज दीजिए या तो उनको वहीं पे मार दीजिए, तो ऑन पेन ऑफ डेथ जैसे कहते हैं, या तो लड़ाई लड़ने जाओगे तो हम मार देते हैं, वो 10,000 लोगों को दोपहर को 1 बजे लड़ाई में अब्दाली को भेज सके। और उस वक्त मराठों 4 घंटे, उसके पहले 4 घंटे बाहर निकल रहे थे और 4 घंटे कंटिन्यूसली लड़ रहे थे, अभी ऑलमोस्ट हमारी लड़ाई जीत गई ऐसे उनका ये एटमॉस्फेयर था उस वक्त, ये 10,000 फ्रेश सोल्जर्स उनके ऊपर टूट पड़े। और एक चीज़ हो गई कि विश्वासराव और भाऊ दोनों हाथी पर बैठे हुए थे और विश्वास वहाँ से तीर चला रहे थे, विश्वासराव को एक गोली लग गई, एक शार्प शूटर होते थे, एक गोली लग गई और हाथी पे ही वो मर गए। ये देख के सदाशिवराव भाऊ खुद नीचे आके घोड़े पे बैठ के खुद लीड करने लग गए आर्मी। उन्होंने कहा मार्शल म्यूज़िक बजाइए, मतलब लोगों को लगे हमारी ऑलरेडी विजय हो चुकी है और लोग भागना बंद कर देंगे। विश्वासराव को गोली लग गई और मर गए ये देख के एक तरीके से लोग भागना शुरू कर दिए, अब लड़ाई हार गए, लीडर मर गया तो भाग जाना ये एक अपने इंडियन वॉरफेयर में बहुत कॉमन हुआ करता था उस जमाने में। विश्वासराव की मौत से भाग ना जाए इसीलिए सदाशिव भाऊ ने बहुत कोशिश की, मगर वो जब आधी सेना थी जो राइट विंग थी मराठों की, उसमें होलकर थे, महाजी शिंदे थे, उनको दूसरा रास्ता मिल गया अफगान आर्मी क्रॉस करके जाने का। और इस तरफ जो हाफ आर्मी थी जिसमें भाऊ थे, इब्राहिम खान गार्दी थे, यशवंतराव पवार थे जो भी मारे गए, जनकोजी शिंदे भी बाद में उनको पकड़ा गया, इब्राहिम खान गार्दी को पकड़ा गया, दामाजी गायकवाड़ थे, विट्ठल शिवदेव विंचूरकर थे, ये दोनों इंजर्ड हो गए थे, तो इंजर्ड होने की वजह से वो विड्रॉ कर चुके थे वहाँ से, तो वो भी वहाँ से निकल सके। तो इसलिए ये जो लड़ाई हुई है फाइनली पूरी अफगान आर्मी ने मराठा सेंटर और मराठा की लेफ्ट फ्लैंक को सराउंड कर लिया और उनकी वो एक कैमल स्विवल गन से, कैमल पे ऊँट पे लगी हुई वो स्विवल गन से वो उन्होंने अटैक करना शुरू किया और धीरे एवरी अटैक के साथ उनकी नंबर्स कमती होते गए। और नाना फडणवीस ने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि जब तक 150 लोग भाऊ के बाजू में थे तब तक मैं वहाँ था और जब 150 ही लोग बचे थे मैंने सोचा कि अभी इसमें रुकने में कोई मतलब नहीं है और मैं वापस निकल आया। और उसके बाद भाऊ का बॉडी भी नहीं मिला, कहाँ गया कुछ पता नहीं चला। उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर कत्लेआम हो गई, जो निहत्ते थे उनको लाइन पे खड़ा करके उनके सर काट दिए गए, ये बड़े बड़े पिरामिड्स ऑफ हेड्स कट हर एक के टेंट के सामने खड़े कर दिए गए। और इस तरीके से जो समझो 50-60 हज़ार अगर लड़ाई में मारे गए हो तो उसके बाद और 50,000 मारे गए और ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई क्योंकि ये ह्यूमन ट्रेजेडी थी उस वक्त। इस युद्ध में मराठों की बड़ी हार हुई। जीत के बाद अब्दाली दिल्ली छोड़ अफगानिस्तान वापस लौट गए। आम तौर पर यह कहा जाता है कि अब्दाली भारत वापस कभी नहीं आए, पर यह सच नहीं है। पानीपत की लड़ाई के बाद उन्होंने 3 बार फिर भारत पर आक्रमण किए जो पंजाब तक ही सीमित थे। कुछ सालों बाद मराठों ने भी महाजी सिंधिया के नेतृत्व में दिल्ली पर अपनी सत्ता फिर से जमाई और 1803 में अंग्रेज आने तक दिल्ली पर सिंधिया का ही राज रहा। माना जाता है कि पानीपत की युद्ध भूमि में एक आम का पेड़ था जो खून से काला हो गया। आज इस जगह को काला आम कहा जाता है, जहां पर पानीपत के युद्ध का एक मेमोरियल बना है जो इस ऐतिहासिक जंग की एकमात्र याद है। तो ये थे पानीपत के तीसरे युद्ध के तथ्य। इस युद्ध में अगर मराठे जीतते तो भारत का इतिहास कैसे अलग होता, ये एक विचार का विषय है। अब हम आपसे लेते हैं विदा, और कहानियों के साथ फिर मुलाकात होगी।